नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और आइए नजर डाल लेते हैं देश और विदेश की कुछ प्रमुख खबरों पर। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सोमवार को पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि ईडी ने भी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के सिलसिले में इसी हफ्ते त्यागी को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई त्यागी के साथ साथ उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ करेगी। दिल्ली फैजाबाद एक्सप्रेस रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दिल्ली से फैजाबाद जा रही दिल्ली फैजाबाद एक्सप्रेस रात करीब 9:30 बजे गढ़मुक्तेश्वर और कंकाटेर स्टेशन के बीच अलबख्शपुर गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए और कपलिंग टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। यह हादसा हापुड़ से करीब 40 किलोमीटर दूर हुआ। पूर्ववर्ती कांग्रेस ने सरकारों पर वोट बैंक की राजनीति करने और सभी योजनाओं का नामकरण एक ही परिवार के लोगों के नाम पर करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गंगा नदी में सौर ऊर्जा से चलने वाली नौकाओं की शुरुआत करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में आबादी के लिहाज से महत्वपूर्ण निषाद समुदाय से संपर्क साधने का प्रयास किया। भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा के लिए एक समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर किए। इससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर के समय यहां आए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन के मौजूद थे। न्यूजीलैंड के परिवहन मंत्री सिमोन ब्रिज ने कहा कि हवाई सेवा समझौते से न्यूजीलैंड और भारत के बीच पर्यटन और व्यापार को गति मिलनी चाहिए। समझौते पर ब्रिज और भारत के कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री संजीव बाल्यान ने दस्तखत किए। कश्मीर अलगाववादी संगठन को लेकर अब तक कड़ा रुख अपना रही केंद्र सरकार ने यू टर्न लिया है। पाकिस्तानी नेताओं ने अलगाववादी की मुलाकात और बातचीत पर अब तक रोक लगाने वाली सरकार अब इसे हरी झंडी देती नजर आ रही है। बीते सप्ताह संसद में दिए गए एक लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और कश्मीर के अलगाववादी नेता भी भारतीय नागरिक हैं। इसके चलते वे किसी भी देश के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात और बात कर सकते हैं। एलपीजी निर्माता कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। सब्सिडी वाले सिलेंडर 18.50 रूपए और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 21 रूपए बढ़ गए हैं। मई महीने में इसी कीमत पर सिलेंडर की बिक्री की जाएगी। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने आईपीएल 9 के 29वें मैच में राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स के खिलाफ अपने T20 करियर के 6000 रन पूरे किए। रोहित ही उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के दूसरे जबकि दुनिया के छठे बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित ने पहले गुजरात लायंस के कप्तान सुरेश रैना ने टूर्नामेंट के 15वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी। वह 6000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक बार फिर निशाना साधा है। रविवार को चीन के साथ अमेरिकी व्यापार घाटे की तुलना करते हुए उन्होंने कहा, हम चीन को अपने देश के साथ लगातार रेप करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। ट्रंप ने कहा, अगर वह राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन को तरीके से हैंडल करेंगे। और बॉलीवुड के कई कलाकारों को विभिन्न ब्रांड्स के विज्ञापनों के सिलसिले में आलोचना का सामना करना पड़ा है, लेकिन एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा खान का कहना है कि वह हमेशा सही विज्ञापन ही चुनती हैं। उनका साथ ही कहना है कि वह कभी भी शराब, सिगरेट या रंग गोरा करने वाले उत्पादों का विज्ञापन नहीं करेंगी, क्योंकि वह इन उत्पादों को सही नहीं मानती। लॉन्जरी ब्रांड आमोंते के विशिष्ट स्टोर के उद्घाटन के सिलसिले में आई मलाइका ने ये बातें कही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबर हमारी वेबसाइट के साथ साथ हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं।